वहीं सपा प्रत्याशी भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले सरकार और सांसद ने यहां कुछ भी नहीं किया। आगे और कुछ क्या कहा उन्होंने सुनिए। सपा के प्रत्याशी भीम शंकर उर्फ कुशल तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर, सपा ने यहां से आपको अपना प्रत्याशी बनाया, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए, ये हम लोग सारे जितने लोग लड़ रहे हैं सारे लोग प्रत्याशी हैं, और पार्टी लड़ती है चुनाव और मुद्दों का चुनाव होता है, और मुद्दे यहाँ पर मतलब यह सबसे बड़ा मुद्दा है नौजवानों का पलायन रोकना। आप कह रहे मुद्दे पूछ रहे थे ना, यहाँ से कोई ऐसा वो नया पंचायत नहीं है जहाँ बस भर करके लोग पंजाब हरियाणा गुजरात महाराष्ट्र न जाते हो। हमारे यहाँ का नौजवान वहाँ का कल कारखाना चलाता है। हमने कौन सा अपराध कर दिया है कि जो हमको हमारा अधिकार नहीं, हमारे हिस्से की चीज़ें जिन पर हमारा अधिकार बनता है, हमारे नौजवानों का बनता है, उनको उन तक पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा, इस पर वकालत होनी चाहिए, बहुत पहले होनी चाहिए। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं ये सब मुद्दे आप कर रहे हैं? ये सारे मुद्दे हैं। बाढ़ यहाँ का देखिए वो है बीमारी यहाँ पर, स्वास्थ्य देखिए, जब एंसेफेलाइटिस होती है छोटे छोटे बच्चे बेचारे, कौन सा उनकी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? गाँव में जो मतलब कुपोषण का शिकार हैं बच्चे, इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। WHO जैसी संस्थाएं मतलब एड दे करके हर जगह पहुंचाने, यहाँ कैंप की व्यवस्था नहीं होते हैं। कैंप अगर होता तो उन तक आप किसी ना उसका अगर वो देखिए, किसी बच्चे का अगर आँख ऐसे करके देखिए तो उसमें आयरन की एनिमिक होगा, आयरन की डिफिशियंसी होगी। कल मैं घूम रहा था, कई बच्चों को मैंने देखा अस्वस्थ। तो ये जब जनरेशन जो हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ नहीं रहेगी तो हमारा देश कैसे खुशहाल होगा? इस जमीन को खुशहाल करने के लिए प्रयास होने चाहिए, और जिस खुशहाली लाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए सरकार की योजनाओं के जरिए। सर, आप गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, सिद्धार्थनगर जिले में भी कई प्रत्याशी टिकट के दावेदार थे, मेरी बात सुनिएगा, तो उनमें नाराजगी भी है जाहिर है, उनको कैसे आप मनाएंगे? देखिए, एक परिवार का, ये परिवार का मुद्दा हमारे, हम अपने परिवार में एक एक सब्जी खा के रहेंगे कि दो सब्जी खा के रहेंगे, ये हमारे परिवार का हम लोग बैठ करके, ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि कोई इस तरह का वो है। ये कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता चुनाव लड़ाते हैं, और इस मुहिम को कैसे रास्ता दिया जाएगा कार्यकर्ता तय करेंगे। अब ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जाहिर है जिले में ब्राह्मणों की आबादी बहुत ज़्यादा है, ब्राह्मण BJP का कोर वोटर माना जाता है, उन वोटों की सेधमारी के लिए क्या रणनीति? मैं आपको इस पर टोक रहा हूँ, कोई किसी का देखिए, आवश्यकता सबकी है, और आवश्यकता पानी सबको अच्छा चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा सबको चाहिए, चाहे वो गांव में रहने वाला आदमी हो चाहे नगर का आदमी हो। जितनी यहाँ जो नगर का रहने वाले व्यक्ति का व्यवसाय अच्छा होना चाहिए, किसानों की खेती अच्छी होनी चाहिए, उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। हमारे ही देश में ये जो डबल इंजन की सरकार है, आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में गेहूं का मूल्य 32 रुपये है और हमारे यहाँ 20 रुपये के लाले पड़े हुए हैं। धन्यवाद, ये थे सपा प्रत्याशी भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी जो हमारे साथ बात कर रहे थे। सद्दाम खान, न्यूज़ ऑन इंडिया, सिद्धार्थनगर।